नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को अपने बर्ड्स को फर्म करना है, लिफ्ट करना है और एक सही शेप में देना है, यानी कि अगर आप लोगों को अपने बर्ड्स को राउंड शेप में देना है या ग्लूट्स को एक सही शेप बनानी है, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है और आप लोगों को ये वीडियो जो है वो पूरा देखना है ताकि आप अपने बर्ड्स को एक अच्छी शेप जो है वो दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज जो आप लोगों के ग्लूट्स को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज है हिप एक्सटेंशंस। हिप एक्सटेंशंस में आप लोगों को कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। दोनों पैर के साथ आप लोगों को हिप एक्सटेंशन जो है वो करना है। आप लोगों को अपने नीज को बेंट करना है और अपनी कोहनियों को, अपने हाथ की कोहनियों को आपस में नीचे जो है उसके बेसिस पे ही आप लोगों को रहना है और दोनों हाथ जो आप लोगों जोड़ लेने हैं या आप लोग ओपन भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो हिप एक्सटेंशंस है वो डिफरेंट टाइप्स में होती है। आप लोग साइड किक भी लगा सकते हैं और बैक किक भी लगा सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बैक किक्स में होता है। ये देखिए, आप लोगों को जस्ट अपने नीज को अपने पेट की ओर लाना है और फिर आप लोगों को सीधा जो है स्ट्रेट आप लोगों को पैर को ले जाना है। सेम इसी प्रकार आप लोगों को दूसरे पैर के साथ भी करना है। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स हैं, मैक्सिमस जो ग्लूट मसल्स है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो टोन्ड होती है, फर्म होती है और लिफ्ट भी होती है। तो इससे आप लोगों को एक ग्लूट्स को एक सही शेप जो है वो मिलने लगती है। इस एक्सरसाइज में जो जो आप लोगों की ब्रीदिंग है वो नॉर्मल रहेगी, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स इसमें नहीं है। तो इसमें आप लोगों को देखिए, आप लोगों का जो पूरा वेट है अपर चेस्ट का, तो वो पूरा का पूरा आप लोगों की कोहनियों पर ही है और आप लोगों को एक पैर को मोड़ना है और दूसरे को आप लोगों को जस्ट लिफ्ट करना है। तो बैक साइड में भी लिफ्ट करना है और इस साइड में भी आप लोगों को अंदर की ओर भी लिफ्ट करना है। दूसरी एक्सरसाइज है साइड लंग्स। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को क्या करना होता है वो मैं पहले बता देता हूँ। इसमें आप लोगों को अपने दोनों हाथों को आपस में बैंड करना है और इतना गैप आप लोगों को अपने दोनों पैरों के बीच में बनाना है कि आप लोग कंफर्टेबल रह सकें जब आप लोग बैठते हैं तब। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आप लोगों के पास कि आप लोगों को 2 फीट तक चौड़े रखने अपने पैरों को या 3 फीट तक चौड़े रखने हैं। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने पैरों को इतना जोड़ा करना है कि आप लोग जो हैं जब भी नीचे स्क्वाट की कंडीशन में बैठते हैं तो उसमें आप लोगों का एक पैर सीधा हो तो दूसरा बैंड हो। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम है किसी प्रकार की, तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को नहीं करें या अपने फिजिशियन या हम लोग कहें कि फिजियोथेरापिस्ट की सलाह में ही आप लोग जो हैं इन सभी एक्सरसाइज को करें। तो इस एक्सरसाइज के करने से भी आप लोगों की जो ग्लूट की मैक्सिमस मसल्स है वो सबसे ज़्यादा टोन्ड होती है, फर्म होती है। तो इससे आप लोगों के ग्लूट्स पे एक अच्छी शेप जो है वो आने लगती है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप लोग जो हैं सिंपली, बहुत सारे लोग जो है नॉर्मली आपस में बैठ ही जाते हैं नीचे, लेकिन जब आप लोग बैठते हैं तो आप लोग एक बात फोकस कीजिएगा कि आप लोगों में जो एक स्ट्रेट लेग रहता है उसकी जो ग्लूट मसल्स है वो एक फर्म होने लगती है, टोन्ड होने लगती है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की बहुत अधिक मदद कर सकती है आप लोगों की मीडियस मैक्सिमस मसल्स को टोन्ड बनाने में, फर्म करने में और एक अच्छी शेप देने में। तो इस एक्सरसाइज को कितनी बार करना है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मिनिमम आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को 30 सेकेंड्स के लिए कीजिए। 30 सेकेंड्स में आप लोगों का जो फर्क है, जो प्रभाव है आप लोगों का, वो दिखना शुरू हो जाएगा 7 या 8 दिन के बाद में। तो लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन लोगों को ब्रेन पेन होता है आप अपने हिप्स के अंदर या ग्लूट्स के अंदर, तो प्लीज़ इस एक्सरसाइज को आप लोग अल्टरनेटिव डेज जो है उसमें आप लोग कर सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज में भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा जब आप लोग अपने ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देना चाहेंगे तब। तीसरा है बॉडी वेट स्क्वाट। इस बॉडी वेट स्क्वाट के अंदर आप लोगों को क्या करना है, अपने दोनों हाथों को बेंट करना है। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, अपने घुटनों को के बल पर आप लोगों को बैठना है। तो पहले ही चेतावनी दे देता हूं, अगर आप लोगों के घुटनों में पेन है तो फिजियोथेरापिस्ट की सलाह में भी ये एक्सरसाइज आप लोग करें। तीसरा है कि हम लोग इस एक्सरसाइज को कैसे करें कि ज़्यादा फर्म जो है आप लोगों के या ग्लूट्स को एक अच्छी शेप मिल सके। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादातर जो शेप है, अगर आप लोगों को अपने ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देनी है तो अपने दोनों पैर के बीच में जो गैप है वो मेंटेन रखना होगा। वो कितना रखना होगा, तकरीबन आप लोगों को इतना रखना होगा कि आप लोगों की जो ग्लूट्स है वो बाहर निकल कर जाए,
तो देखिए इतना जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप लोग इतना गैप दोनों के बीच में रखते हैं तो आप लोगों में एक फर्क जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी शेप देने के लिए भी आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं बॉडी वेट स्क्वाट। तो अगर आप लोग देखिए दोनों में, दोनों के बीच में जब मेंटेन करते हैं गैप को और जब आप लोग नीचे बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो टोटली अपने घुटनों से नीचे की ओर बैठ जाते हैं। लेकिन आप लोगों को कितना बैठना है मैं बता देता हूँ, आप लोगों को घुटनों से जस्ट ऊपर की ओर ही बैठना है। ये देखिए पूरा बैठने के बाद आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो एक राउंड शेप जो है वो नहीं ले पाते हैं, लेकिन जब आप लोग बाहर की ओर निकल कर बैठते हैं तो वो एक राउंड शेप जो है वो ले पाते हैं, वो टोंड हो पाते हैं। तो इसमें भी आप लोगों के पास बहुत सारे वेरिएशंस हैं जब आप लोग स्क्वाट को करते हैं। तो जब आप लोग पूरे बैठते हैं तो वो फैल जाते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को एक राउंड शेप चाहिए तो आप लोगों के घुटनों से आप लोगों को जस्ट ऊपर की ओर ही बैठना है, थोड़ा ही आप लोगों को नीचे झुकना है, आप लोगों को पूरा स्क्वाट के अंदर नहीं झुकना है अगर आप लोगों को एक फर्म शेप और आप लोगों को एक अच्छी शेप चाहिए। तो सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है हिप ब्रिज एक्सरसाइज। इस हिप ब्रिज एक्सरसाइज को आप लोगों को कंटिन्यूसली में करना है। ध्यान रखिए पहला जो एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को बताई वो है आप लोगों के लिए बैक किक या हम लोग कहें हिप एक्सटेंशन, दूसरा आप लोगों के लिए था कि आप लोग जो है साइड लंग करें, तीसरा आप लोगों के लिए था कि आप लोग स्क्वाट करें, चौथा ये है आप लोगों के पास ब्रिज एक्सरसाइज। तो इनको आप लोगों को एक कंटिन्यूस मेथड में करना होगा, एक के बाद एक, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी एक्सरसाइज पहले चूज कर लें। तो हिप ब्रिज एक्सरसाइज में आप लोगों की हिप्स जो है वो जस्ट ऊपर की ओर पुश होते हैं, उससे आप लोगों की जो मैक्सिमस मसल्स है वो जस्ट अंदर की ओर जाने का काम करते हैं, तो फैट रिड्यूस होता है बाहर का और आप लोगों को एक अच्छी शेप भी मिलने लगती है। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की स्कैटर्स। स्कैटर्स में भी आप लोगों को एक अच्छी शेप मिल सकती है ग्लूट्स की और थाइस की दोनों की। तो ये भी एक ऐसी एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ग्लूट्स और आप लोगों के हिप्स को एक अच्छी और थाइस को एक अच्छी शेप दे सकते हैं। तो स्कैटर्स का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके आप लोगों से, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।